बांग्लादेश ने आज ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। टेस्ट में नवे नंबर की बांग्लादेश टीम ने टेस्ट की पूर्व नंबर एक और मौजूदा चौथे स्थान की टीम ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मैच में धूल चटाई। बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया पर ये पहली जीत है। इससे पहले बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को ही शिकस्त दी थी। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश से हारने वाला ऑस्ट्रेलिया चौथा देश बन गया है। साल 2000 में टेस्ट दर्जा मिलने के बाद बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा मैच को छोड़कर 4 मैच हुए थे। इन सभी मैचों में बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में बांग्लादेश का पलड़ा शुरू से भारी था। तीसरे दिन 265 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप्स तक 2 विकेट खोकर 109 रन बना लिए थे, लेकिन चौथे दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी नहीं रही। चौथे दिन सबसे पहले शानदार बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर को शाकिब अल हसन ने अपना शिकार बनाया। वार्नर ने शानदार शतक लगाया। जब वे आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 107 रन और चाहिए थे और 7 विकेट उनके हाथ में थे। वार्नर के आउट होने के बाद कप्तान स्टीव स्मिथ भी 37 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 244 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश की ओर से शाकिब अल हसन ने दूसरी पारी में भी 5 विकेट लिए। इस पूरे मैच में शाकिब का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने मैच में 10 विकेट लेने के अलावा 89 रन भी बनाए। शाकिब को उनके शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।